बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप लोग घर पे सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। ओके, चलिए कहानी तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो आज हम अपनी एक कहानी दोहराते हैं और वो कहानी का शीर्षक है प्यासा कौआ। ओके, चलिए देखते हैं। एक कौआ था, वो बहुत प्यासा था और वो जंगल में पानी की तलाश में उड़ रहा था, लेकिन उसे पानी नहीं मिला। जब वो उड़ता उड़ता जंगल के अंदर पहुंचा, वहां उसने नीचे देखा, उसे एक खड़ा दिखाई दिया। वो पानी पीने के लिए नीचे उतरा, लेकिन जब वो पानी पीने लगा, उसने देखा घड़े में पानी कम था। अब वो पानी कैसे पिए? उसने एक युक्ति सोची। उसने क्या करा, वहां पेड़ के पास बहुत सारे कंकड़ पड़े थे, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े। वो गया और एक एक करके वहां से जो पत्थर के टुकड़े पड़े थे उन्हें उठा उठा कर घड़े में डालना शुरू कर दिया, जिससे पानी क्या हुआ, वो ऊपर आना शुरू हो गया। फिर कौए ने क्या करा, पानी ऊपर आने पर कौए ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। पानी पीने के बाद कौए ने क्या किया, पानी पीने के बाद कौआ उड़ा और चला गया। अब आप मुझे ये बताइए, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए और सूझबूझ से उसका हल निकालना चाहिए। ओके बेटा।